वही होता है ना हमेशा एक क्लीशे बन गया कि हर सफल इन आदमी के पीछे एक औरत होती है तो यहाँ आपके हर सफल लड़की के पीछे भी एक आदमी का हाथ था इट यू नीड इट आप ऐसे अब कोई एक जगह नहीं है जहाँ पे आप जाओ और आपके कोई सपोर्ट ना मिले यू नीड अ पर्सन हु विल बी देयर टू शो यू द राइट पाथ देर इज अ वे अ शॉर्टकट एंड अ लॉन्ग कट एंड वो चूज़ करने के लिए एक बंदा होना चाहिए मैं आई आई एम नॉट सेइंग द बंदा मतलब कोई भी होना चाहिए चाहे आपका मम्मी पापा हो सकता है या आपका ब्रदर हो सकता है सिस्टर हो सकता है आपका कोच हो सकता है हो सके आपका सीनियर प्लेयर हो सकता है बट कोई आपको रास्ता दिखाए जो कौन से रास्ते से आपको सही जाओगे तो फिर आपका डेस्टिनेशन जो आपको चाहिए वो मिल सकता है शॉर्टकट में प्रॉब्ली यू माइड अर्न फ्यू थिंग्स फॉर टाइम बिंग बट लॉन्ग कट से जाओगे तो फॉर एवर वो आपके साथ रहेंगे आई थिंक वो जो डिस रास्ता उन्होंने सिखाया जो पाथ मुझे दिखाया आई थिंक वो कोच अगर ऐसे नहीं होते तो डेफिनेटली इट वॉज डिफिकल्ट फॉर अस बिकॉज ऑनिस्टली स्पीकिंग माई फैमिली डोंट नो एनी थिंग अबाउट स्पोर्ट्स तो दे एब्सुलटली रिलाई ऑन हिम वॉट एवर ही ओके फाइन देट वॉज अ थिंग जुलन एक मतलब जो चकदा एक्सप्रेस कह रहे हैं आपकी मूवी को भी एक बैट क्रिकेट खेलना और क्रिकेट में क्या करना है आपको मतलब आपकी हाइट अच्छी है आपकी बिल्ड अच्छी है पर आ, मेंस क्रिकेट में भी हम देखते हैं सबसे ज़्यादा इंजरी प्रोन पेसर्स ही रहते हैं आ, क्या एक लड़की पर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है देखो बॉडी फिजिकली देखो प्रेशर तो रहेंगे आपके ऊपर तो चाहे आप लड़का हो या लड़की हो स्पोर्ट्स हाँ. में आपको हाई इंटेंसिटी गेम है यहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर आएंगे आपको आ, उसके हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हम लोगों का लाइफ में हम लोग वो पकड़ के चलते जो इंजरी पार्ट एंड ऑफ आवर लाइफ एंड एज एथलीट एज ए प्रोफेशनल बॉलर आपका आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि इंजरीज होने वाला है hmm. क्योंकि गेम का जो डायमेंशन है पूरा चेंज हो चुका है पहले एज ए थ्री मंथ सिक्स मंथ्स क्रिकेट होते थे पर्टिकुलरली विंटर टाइम पे क्रिकेट होते थे अब राउंड अ मैचेस हो रहे हैं अमाउंट ऑफ मैचेस आप जब खेलने लगोगे जो वॉल्यूम इंक्रीज होते लगे तो बॉडी के ऊपर जो uh, uh, जो प्रेशर uh, रहता है एक, एक बॉलर के ऊपर जो प्रेशर रहता है बॉडी के लिए वो बॉडी लेने के लिए उतना स्ट्रेंथ नहीं होता आपको बिल्ड करना पड़ता है स्लोली स्लोली और हम लोग जब खेलते थे उस टाइम साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं होता था आप जितना अच्छा ग्राउंड पे भागोगे, उतना ही अच्छा आप एथलीट हो उतना ही अच्छा आप फिट हो आज की डेट पे आपका फिटनेस टेस्ट लिया जाता है यो यो टेस्ट होता है आपको सर्टेन तरीके से आपका स्ट्रेंथ मेजर किया जाता है बॉडी का उस जनग, जमाने में सिर्फ हम हमको really like <laughs> बहुत पुरानी बात, बात नहीं नहीं। पुरानी बात कर रही हूँ मैं <laughs> ऐसा नहीं है मैं मेरे कह रही हूँ हम लोग जब स्टार्ट किए थे उस टाइम थे आप ग्राउंड पे जाइए आठ दस राउंड लगाइए पंद्रह राउंड लगाइए बीस राउंड लगाइए तो आप फिट हो तो वो कल्चर चेंज हो चुका है